हेलो स्टूडेंट, दिस इज दीपक श्रीवास्तव फ्रॉम श्रीवास्तव एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का। गवर्नमेंट बजट ये 12 मार्क्स का चैप्टर है, इसमें से दो से तीन क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। गवर्नमेंट बजट क्या होता है? हम अपने घर का बजट बनाते हैं, नॉर्मली हर एक लोग बजट बनाते हैं कि उनके पैसे कहाँ कहाँ से रिसीव होंगे और कहाँ कहाँ वो खर्च करेंगे। उसी तरीके से गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाती है कि उसकी रिसीविंग कहाँ कहाँ से आएगी, यानी उसको पैसे कहाँ कहाँ से मिलेंगे और कैसे कैसे खर्च करना है। तो गवर्नमेंट अपना बजट 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच में, एक वर्ष के बीच में ये बजट बनाती है और ये नेक्स्ट ईयर के लिए फॉलो होता है। जैसे 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के बीच का जो बजट बनाया जाएगा वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में फॉलो होगा। बजट के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, गवर्नमेंट बजट के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है? सबसे पहला फर्स्ट नंबर, हाई रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ। अपने जो गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारी जो पब्लिक है वो ग्रोथ करे, जीडीपी, यहाँ पे जो ग्रोथ को हम जीडीपी से दिखाते हैं, यानी कि हर लोगों के पास की इनकम बढ़े, प्रोड्यूसर लेवल बढ़े, तो उसके लिए गवर्नमेंट पहले से बजट बनाती है कि जिस तरीके से उनको रिसोर्सेज दिए जाएं या जैसे उनसे हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं वो इस तरीके से करेंगे कि सबका ग्रोथ हो। सेकंड नंबर आता है आपका बैलेंस ऑफ रीजनल ग्रोथ। गवर्नमेंट का को ग्रोथ हर एक रीजनल में करना है, जैसे कि हमारे कुछ मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है, कुछ सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे ग्रोथ नहीं है। आज भी ऐसे ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, एजुकेशन नहीं है या एम्प्लॉयमेंट नहीं है या रोड नहीं है, डैम नहीं है, तो उन सब चीज़ों को गवर्नमेंट पहले से अपने बजट में इस तरीके से मेंटेन करती है कि उन एरिया की भी ग्रोथ किए जा सके। नेक्स्ट नंबर आता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं वो सबको मिलने चाहिए, जैसे कि पेट्रोल है, सीएनजी है, ये गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हुए, तो ये सबको मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो इसका इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है कि सबको प्रोवाइड हो सके, यानी जो हमारे रिसोर्सेज हैं उस पर सब्सिडीज प्रोवाइड करना या इस तरीके के बेनिफिट के रूप में उसके प्राइस को थोड़ा सा कम लेकर के चलना कि जो अमीर है वो भी ले सके और जो गरीब है वो भी ले सके। नेक्स्ट नंबर आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड ग्रोथ। हमारे देश में जो पब्लिक है इसमें इनकम की जो है वो इस तरीके से है, किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है, किसी की इनकम बहुत कम है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जिसकी इनकम ज़्यादा है उस पर टैक्स चार्ज करती है, जिसकी इनकम कम है उसको बेनिफिट प्रोवाइड करती है, यानी उसके लिए एजुकेशन बनाना या फिर जैसे हॉस्पिटल सुविधाएँ देना, प्रोडक्ट में सब्सिडीज देना। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो जिनकी ग्रोथ, जो इनकम जिनकी ज़्यादा है उनसे कुछ पैसा टैक्स के रूप में कलेक्ट करती है, जिनकी इनकम कम है उनके ऊपर खर्च करती है कि दोनों थोड़ा बराबर आ सके। नेक्स्ट नंबर आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट जो है अपने बजट में हमेशा कोई ना कोई ऐसा प्लान बनाती है जिससे लोगों को हमारा काम भी हो और साथ साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले। जैसे 5-year plan, 10-year plan, ऐसे प्लान बनाती है। जैसे पहले एक प्लान था मनरेगा योजना। मनरेगा योजना मतलब जो हमारे गांव के किसान लोग हैं वो हमेशा तो काम करते नहीं, कुछ टाइम तक बारिश नहीं होती, कुछ टाइम तक होता है, तो जब वो बारिश या जब वो सीजन नहीं होता तो उस टाइम वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि एक ऐसा प्लान बनाती है, जैसे कि कोई उनको डैम बनाना है या रोड बनाना है, ऐसी जगहों पर उनको जॉब प्रोवाइड करना जिससे वो कुछ काम कर सके और उनका भी ग्रोथ हो। नेक्स्ट नंबर आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी यदि मार्केट में जिसके पास पैसा है उससे गवर्नमेंट पैसे कलेक्ट कर रही है, जिसके पास पैसे कम है उसको गवर्नमेंट दे रही है, तो जब जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो हर एक चीज़ की डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो मार्केट में मनी की जो संतुलन है उसको सही करने के लिए भी गवर्नमेंट अपने बजट के कंपोनेंट्स में देखती है। तो गवर्नमेंट अपने बजट में क्या ऑब्जेक्टिव है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। गवर्नमेंट बजट के क्या कंपोनेंट्स होते हैं? हर एक बजट का एक होता है आपका बजट रेवेन्यू, बजट रिसीप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को जहां जहां से पैसे मिलते हैं उसे हम कहते हैं बजट रिसीप्ट, और जहां जहां गवर्नमेंट अपना पैसा खर्च करती है उसे कहते हैं बजट एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट को पैसे जो मिलते हैं उसकी दो कैटेगरी होती है, रेवेन्यू रिसीप्ट
रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड कैपिटल रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसीप्ट्स मतलब कि गवर्नमेंट को जब पैसा इस तरीके से मिलता है कि बदले में कोई उसको एसेट्स या लायबिलिटीज, वैसे रेवेन्यू रिसीप्ट का मतलब होता है जो रेगुलर इनकम होती है उसे हम रेवेन्यू रिसीप्ट कहते हैं, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट बजट चैप्टर में आप रेवेन्यू रिसीप्ट को इस तरीके से समझाएंगे कि गवर्नमेंट पैसे उस तरीके से कलेक्ट करती है कि बदले में कोई भी एसेट्स या लायबिलिटीज में चेंज नहीं होता और इन पैसे आते तो उसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट। और वही चीज कैपिटल रिसीप्ट, पैसे तो आते हैं बट एक साथ साथ हमारी एसेट्स भी डिक्रीज हो जाती है या लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है, इस केस को हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट का, जैसे गवर्नमेंट हमसे टैक्स चार्ज करती है, फाइन चार्ज करती है, तो ये को रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। गवर्नमेंट यदि अपना कोई कोई सेक्टर यदि सेल कर दे, जैसे गवर्नमेंट का रेलवे है, रेलवे यदि सेल कर दे तो पैसे तो आ जाएंगे बट एक एसेट्स कम हो जाएगी, या गवर्नमेंट यदि वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है तो पैसे तो आ गए लेकिन लायबिलिटीज बढ़ गई, तो ये कहलाया कैपिटल रिसीप्ट। और जहां पे उसे कुछ देना नहीं पड़ रहा है, जैसे टैक्स के रूप में पैसे चार्ज कर रही है, फाइन के रूप में पैसे चार्ज कर रही है, तो वो कहलाया रेवेन्यू रिसीप्ट, क्योंकि उसकी रेगुलर इनकम है, इससे एसेट्स और लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं होता। रेवेन्यू रिसीप्ट दो टाइप्स के होते हैं, टैक्स रिसीप्ट एंड नॉन टैक्स रिसीप्ट। टैक्स रिसीप्ट वो रिसीप्ट होते हैं जो कंपल्सरी गवर्नमेंट को, जो कंपल्सरी पेमेंट बाय पब्लिक, बाय हाउसहोल्ड, बाय फर्म्स, बाय फ्रेंचाइजी, यानी कंपल्सरी जो करनी होती है उसे हम टैक्स रिसीप्ट करते हैं। जैसे टैक्स रिसीप्ट के भी दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो हो गया जो कंपनी जिसपे चार्ज करते सॉरी गवर्नमेंट जिसपे चार्ज करती है वो वही पे करता है, यानी जैसे जिसकी इनकम जो होती है तो इनकम टैक्स चार्ज होगा तो जिसकी इनकम है वही पे करेगा। यदि प्रॉपर्टी हमारे पास है, प्रॉपर्टी पे हमारे टैक्स लगता है प्रॉपर्टी टैक्स, तो हमारी प्रॉपर्टी हमें ही टैक्स पे करना है, तो यानी जिसपे चार्ज हो रहा है उसे ही पे करना है, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। चार्ज किसी और पे हो रहा है, पे कोई और कर रहा है, जैसे कोई शॉपकीपर है अपने किसी गुड्स पे टैक्स चार्ज करता है तो वो किससे वसूल करता है, कंज्यूमर से, या इसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हम किसी मॉल में जा रहे हैं कुछ सामान खरीदने, पता चल रहा है कि उस पर इतना परसेंट टैक्स पे करना है तो हमने छोड़ दिया, नहीं लिया, यानी हमें टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो यानी इनडायरेक्ट टैक्स हमारा बर्डन जो है शिफ्ट किया जा सकता है लेकिन डायरेक्ट टैक्स शिफ्ट नहीं किया जा सकता। इसके एग्जाम्पल हो गए इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के पहले तो बहुत सारे थे, जैसे कि सेल टैक्स, वैट टैक्स, लेकिन अब गवर्नमेंट ने सबको एक नहीं करके क्या कर दिया है, जीएसटी। तो जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल हो गया। नॉन टैक्स रिसीप्ट, जब गवर्नमेंट हमसे टैक्स के रूप के अलावा, टैक्स के अलावा किसी और तरीके से पैसे कलेक्ट करती है उसे नॉन टैक्स रिसीप्ट। तो टैक्स के अलावा गवर्नमेंट कैसे पैसे कलेक्ट करती है, हम पे फाइन लगा करके। जैसे आप बाइक चला रहे हो और हेलमेट नहीं है, फाइन लग गया, और वो फाइन का पैसा कहाँ गया, गवर्नमेंट के पास गया, तो उसे कहेंगे नॉन टैक्स रिसीप्ट। जैसे किसी तरीके की फीस हो, जो गवर्नमेंट फीस चार्ज करती है, जैसे लाइसेंस फीस, एजुकेशन फीस, तो वो क्या होता है, वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है, वो नॉन टैक्स रिसीप्ट हो गया। या जैसे कि किसी एरिया में गवर्नमेंट का कोई ऐसा प्लान लगा है, जैसे कि हमारे एरिया में मेट्रो आ गई, मेट्रो आने से वहाँ के जो लैंड थे उसकी कॉस्ट की वैल्यूज बढ़ गई, तो जब वैल्यूज बढ़ जाती है तो गवर्नमेंट उनकी वैल्यू जो बढ़ रही है उसका कुछ पार्ट अपने लेती है कि आप हमें दीजिए, क्योंकि ये हमारे प्रोडक्ट की वजह से, हमारे प्लान की वजह से आपका रेट बढ़ा है, इससे हम कहते हैं स्पेशल असेसमेंट, ये भी हमारा नॉन टैक्स रिसीव्ड होता है। या जैसे मान जाइए कोई किसी की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका कोई भी नॉमिनी नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी, गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, तो ये भी आपका नॉन टैक्स रिसीप्ट हो गया। नॉन टैक्स रिसीप्ट में क्या क्या आते हैं, जैसे फाइन हो गया, फीस हो गया, लाइसेंस फीस हो गया, एजुकेशन फीस हो गया, एंड यही जब किसी की प्रॉपर्टी का कोई भी वारिस नहीं है, कोई भी नॉमिनी नहीं है, तो वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है, तो उसे हम कहते हैं एस्टीज। चीज हो गया स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट नहीं, गवर्नमेंट का कोई ऐसा प्लान है, जैसे कि कोई गवर्नमेंट ने वहां पे डैम बनवाई है, कोई रोड बनवाई है, गवर्नमेंट का कोई वहां पे सेक्टर है जिसकी वजह से वहां लैंड की कॉस्ट बढ़ गई, तो उसका पार्ट भी गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है पब्लिक को, तो उसे कहते हैं स्पेशल असेसमेंट। तो ये होता है रेवेन्यू रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट पहले ही बता दिया कि ऐसा गवर्नमेंट का ऐसा रिसीप्ट जिससे
पैसे तो आ रहे हैं बट एसेट्स और लाइबिलिटीज भी चेंज हो रही है। यदि गवर्नमेंट अपना कोई सेक्टर सेल कर दे, जैसे गवर्नमेंट अपना रेलवे सेक्टर किसी प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया, तो रेलवे यदि गवर्नमेंट ने किसी प्राइवेट को सेल कर दिया तो पैसे तो आए बट उसकी एक इंडस्ट्री चली गई। या जैसे गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से लोन ले रही तो पैसे तो आए लेकिन एक लाइबिलिटीज बढ़ गए, तो ये हो गया कैपिटल रिसीव। बजट एक्सपेंडिचर, बजट एक्सपेंडिचर भी दो टाइप्स के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंसेस होते हैं जो फर्म अपना गवर्नमेंट हम यहाँ गवर्नमेंट बजट पढ़ रहे हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऐसी एक्सपेंसेस करती है जिसे उसके बदले में कोई एसेट्स या लाइबिलिटीज नहीं आती बट उसे करना पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट हमारे एजुकेशन पे खर्च करती है, हॉस्पिटल्स पे खर्च करती है, रोड पे खर्च करती है, या हमारे लिए कुछ ऐसे सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, तो ये सारी चीजें हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट यदि हमारे लिए जैसे हॉस्पिटल पे खर्च कर रही है तो उसकी कोई एसेट्स नहीं बढ़ रही या कोई लाइबिलिटीज नहीं बढ़ रही लेकिन एक्सपेंसेस हो रहे, इसे हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन गवर्नमेंट यदि कोई प्राइवेट सेक्टर को खरीद ले, यदि प्राइवेट सेक्टर को खरीद ले जैसे गवर्नमेंट रिलायंस कंपनी को खरीद ले, तो एक इंडस्ट्रीज तो आई लेकिन पैसे भी चले गए, तो यानी एसेट्स आया तो उसे कहते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। या गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से लोन ली थी, उसे दे दिया, उसे वापस कर दिया, तो वहां पे पैसे तो जा रहे हैं, पैसे तो खर्च हो रहे हैं लेकिन लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, तो ये कहलाया कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट बजट कितने टाइप्स के होते हैं, गवर्नमेंट जो बजट बनाती है वो कितने टाइप्स के बनाती है? गवर्नमेंट बजट को तीन टाइप्स के होते हैं, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट एंड डिफिक्ट बजट। बैलेंस बजट जब गवर्नमेंट के टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंसेस के बराबर होते हैं तो उसे हम कहते हैं बैलेंस बजट। यानी गवर्नमेंट हमसे जितना पैसा टैक्स के रूप में, नॉन टैक्स के रूप में या हमारे कैपिटल रिसीव के रूप में जिस तरीके से गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं गवर्नमेंट उतना ही खर्च कर रही है, यानी बराबर खर्च कर रही है। गवर्नमेंट को एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 10 करोड़ की अर्निंग हो रही है तो 10 करोड़ का वो खर्च भी कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे बैलेंस बजट। सरप्लस बजट जहां पे गवर्नमेंट जो है हमसे पैसे ज्यादा कलेक्ट कर रही है और खर्च कम कर रही है, यानी टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंसेस जब ज्यादा होते हैं तो इसे हम कहते हैं सरप्लस बजट। वही डिफिक्ट बजट क्या होते हैं, जब टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाए, यानी गवर्नमेंट हमसे पैसे कम कलेक्ट कर रही है और खर्च ज्यादा कर रही है, तो उसे कहेंगे डिफिक्ट बजट। तो गवर्नमेंट के बजट तीन टाइप्स के होते हैं। अब गवर्नमेंट वैसे हमारे इंडिया में ज्यादातर डिफिक्ट बजट बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जैसे हम ये कहें कि कौन सा बजट बेस्ट माना जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट जितना पैसे ले रही है उतना खर्च कर रही है, यहाँ पे हमसे पैसे ज्यादा ले रही है खर्च कम कर रही है, तो यानी यहाँ पे गवर्नमेंट हमारे पैसे को यूज कर रही है। यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट हमसे पैसे तो कम ले रही है लेकिन खर्च ज्यादा कर रही है, लोगों के नजर में आएगा कि बैलेंस बजट डिफिक्ट बजट जो है वो बेस्ट है, बट डिफिक्ट बजट बेस्ट नहीं है, क्योंकि जब हमारी इनकम कम होगी और खर्च ज्यादा होगा तो उस खर्च को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उधार लेना होगा, तो गवर्नमेंट उधार कहाँ से लेगी, वर्ल्ड बैंक से लेगी, तो जब गवर्नमेंट उधार लेगी तो हमारे देश के ऊपर एक डेब्ट चढ़ जाएगा, और जब नई जनरेशन जो आएगी वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी, क्यों, क्योंकि उसे एक पहला डेब्ट चुकाना होगा। अब डिफिक्ट बजट के कितने टाइप्स होते हैं, डिफिक्ट बजट पहला रेवेन्यू डिफिक्ट्स का मतलब हो गया जितना रेवेन्यू एक्सपेंसेस है माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट, जहां पे सिर्फ रेवेन्यू यानी टोटल रेवेन्यू ले लो, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंसेस TR, जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस है उतना ही टोटल रेवेन्यू
रिसीप्ट है, यानी जो रेवेन्यू के रूप में जो पैसा मिल रहा है और जो रेवेन्यू के रूप में पैसा खर्च हो रहा है उसके बैलेंस को हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू डिफेक्ट्स कहते हैं। यानी जो टोटल रेवेन्यू मिल रही है वो टोटल एक्सपेंसेस से ज्यादा है, तो ये कहलाया आपका रेवेन्यू डिफेक्ट्स। नेक्स्ट नंबर आता है फिजिकल डिफेक्ट्स। फिजिकल डिफेक्ट्स का वो फिजिकल डिफेक्ट्स किसे कहते हैं, जहां पे रेवेन्यू नहीं टोटल रिसीप्ट जो है, यानी गवर्नमेंट का जितना भी बजट रिसीप्ट है टोटल, उतना गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंसेस है। इसको हम नेगेटिव दिखाना है इसलिए हम ऐसे दिखाएंगे, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग को छोड़कर, बोरोइंग मतलब उधार को छोड़कर, यानी जितना गवर्नमेंट खर्च कर रही है उससे जितना गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, इन दोनों के डिफरेंस में जो नेगेटिव पॉइंट आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल डिफेक्ट कहते हैं। और नेक्स्ट नंबर आता है प्राइमरी डिफेक्ट्स, क्या कहलाता है प्राइमरी डिफेक्ट्स। ये होता है जो फिजिकल डिफेक्ट्स है, यानी फिजिकल डिफेक्ट्स का मतलब क्या हो गया, बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट, जो गवर्नमेंट के जो फिजिकल डिफेक्ट्स है, जो बोरोइंग है, फिजिकल डिफेक्ट किसके बराबर हो गया, बोरोइंग के, क्योंकि यहां इन दोनों में हम कौन सा पार्ट छोड़ना है, बोरोइंग छोड़ना है, तो फिजिकल डिफेक्ट्स में से जब हम इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं तो वह हमारा कहलाता है प्राइमरी डिफेक्ट्स। तो हमारा इससे भी एक क्वेश्चन आता है कि जैसे कि हमारे टैक्स रिसीप्ट क्या होते हैं, नॉन टैक्स रिसीप्ट क्या होते हैं, नॉन टैक्स रिसीप्ट में स्पेशल असेसमेंट क्या होता है या किस तरीके से पैसे कलेक्ट होते हैं, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, बैलेंस बजट कितने टाइप्स के होते हैं, एंड प्राइमरी डिफेक्ट क्या होता है, फिजिकल डिफेक्ट क्या होता है, इससे कभी कभी एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आता है। नेक्स्ट नंबर आता है कि फिजिकल डिफेक्ट होने से गवर्नमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, इफेक्ट ऑफ फिजिकल डिफेक्ट, फिजिकल डिफेक्ट से क्या इफेक्ट पड़ेंगे। यदि गवर्नमेंट नेगेटिव चल रही है, यानी जितना हमसे पैसे ले रही है उससे ज्यादा खर्च कर रही है, यानी गवर्नमेंट की फिजिकल डिफेक्ट है, तो फिजिकल डिफेक्ट के केस में गवर्नमेंट के क्या इफेक्ट पड़ेंगे। फर्स्ट नंबर नेशनल डेब्ट, एक पूरे देश के लिए एक नेशनल डेब्ट बन जाता है, उधारी बन जाती है, यानी जब नेक्स्ट जनरेशन की गवर्नमेंट आएगी या नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी या हमारी जब जनरेशन चेंज होगी तो हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हम जितना अर्न करेंगे उसमें से कितना पैसा तो पहले हमें वो कर्ज का चुकाना है या उसका इंटरेस्ट चुकाना है। नेक्स्ट नंबर, जब हम कर्ज में रहेंगे तो हमारी जीडीपी भी ग्रोथ नहीं करेगी, हमारी लो लेवल की जीडीपी होगी। उसके बाद आप ये दिखा सकते हो कि क्राउडिंग आउट मतलब जब गवर्नमेंट उधार पैसा ले रही है तो सारा पैसा तो गवर्नमेंट उधार ले रही है, तो कोई यदि पब्लिक बिजनेस करने वाला पर्सन है वो बैंक से जाता उधार लेने तो उसे पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि बैंक का पैसा तो गवर्नमेंट ने ले लिया। या ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसी गवर्नमेंट पे, ये जैसे हमारी देश में जब मान जाओ फिजिकल डिफेक्ट चल रहा है तो दूसरे देश के लोग हमारी दूसरे देश की गवर्नमेंट जो हमारे देश पे बिलीव नहीं करेगी, तो फिजिकल डिफेक्ट के इम्पैक्ट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आता है। ये था आपका गवर्नमेंट बजट चैप्टर, 12 मार्क्स का चैप्टर है, इससे तीन क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही छोटा चैप्टर है, ज्यादा इसमें पॉइंट्स भी नहीं है, आसानी से तैयार कर सकते हैं आप।